तो इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना था, हल्का हल्का चलो फ्राई करना था ताकि इनकी जो ऊपर वाली कवर है, ऊपर की जो परत है वो क्रिस्पी। स्वागत है आपका हमारी आज की न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक डिश, आज हम एक आपके लिए बेसन की एक डिश बनाने वाले हैं, उसका नाम है बेसन के गट्टे की सब्जी। हम बनाएंगे बेसन के गट्टे की सब्जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको लेने हैं खड़े मसाले, जिसमें है जीरा, अजवाइन, धनिया और सौंफ। इसको बेलने से हमने क्रश कर लिया है, तो खड़े मसाले को हमने डाल दिया है बेसन के अंदर। और इसमें डालने जा रहे हैं नमक, लाल मिर्च और हाथ से क्रश करके डालनी है कसूरी मेथी। और ये डाल दी इसमें कसूरी मेथी, और अब इसका पानी डाल के इसका घोल बनाना है। और चलिए इसमें पानी डाल के एकदम लिक्विड नहीं बनाना, ठीक से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही बनाना है। तो अब इसमें पानी डाल के इसका घोल टाइप का बनाना है, घोल ज्यादा मतलब पतला नहीं बनाना, एकदम गाढ़ा गाढ़ा बनाना, जैसे आटा गूंथते हैं वैसा मतलब तैयार करना है। तो चलिए तैयार करके हम आपको दिखाते हैं। एक और सीक्रेट आइटम इसमें पड़ेगी और वो है एक चम्मच देसी घी, तो जिससे कि गट्टे की जो गट्टे बनेंगे वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से टाइट नहीं रहेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद बैटर तैयार करते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें दही भी डाल सकते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए, लेकिन कई लोग दही भी डालते हैं लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं, हमने देसी घी डाला है। ये भी ज्यादा नहीं, 2-3 चम्मच ही पड़ता है। आपके घर देसी घी नहीं है या कोई भी ऑयल नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हैं 2-3। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा डो है रेडी हो गया लग के, जैसे नॉर्मल आटा हम गूंथते हैं वैसे ही इसको तैयार करना है। अगर आपके हाथ में ये चिपके बनाते वक्त तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा सरसों का तेल अपने हाथ में लीजिए और इसके ऊपर हल्का हल्का लगा दीजिए तो ये आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। तो चलिए इसके छोटे छोटे गट्टे बना के तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे मतलब गट्टे लंबे लंबे बना के तैयार कर लेने हैं, फिर उसको आप चाहे तो बीच में से काट भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे गट्टे आपको बना के तैयार कर लेने हैं लंबे लंबे, और उसको क्या करना है, उसको उबलते हुए पानी में डाल के अच्छे से पका लेना, उबाल लेना है। और पकाने के बाद उसको आप बीच में से टुकड़े कर सकते हैं, तो बाकी अभी हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे लंबे लंबे गट्टे इसको मतलब हाथ से रोल करके तैयार कर लेने हैं, और तैयार करने के बाद इसको क्या करना है, आपको उबलते हुए पानी में डाल देना है। एक बार ये पानी के एकदम नीचे चले जाएंगे, जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये पानी के ऊपर आ जाएंगे, उसमें हल्के हल्के बबल्स से आ जाएंगे, मतलब इसके जो सरफेस है इसके ऊपर बबल्स से आ जाएंगे, तब आप समझ लेना कि ये पक के तैयार है। उसके बाद आप उसको पानी में से निकाल सकते हैं। तो चलिए पकाते हैं इनको। देखिए फ्रेंड ये उबल के मतलब पक के तैयार हो चुके हैं और ये पानी के ऊपर तैर रहे हैं, तो अब हम करेंगे गैस बंद और इनको निकालेंगे पानी से। तो फ्रेंड्स आप इसमें लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च डाल सकते हैं। जो लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं जो लोग, वो मतलब अवॉइड कर सकते हैं, मतलब बिना डाले भी बना सकते हैं, उसके बिना भी काफी अच्छी बनती है, लेकिन हम खाते हैं तो हम डाल रहे हैं। तो चलिए उसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये पक्के हो गए रेडी। ये जो पानी है इसको फेंकना नहीं है, ये ग्रेवी बनाने के काम आएगा। और फिलहाल हम इनके छोटे छोटे पीस करके इसको शैलो फ्राई कर लेंगे, और शैलो फ्राई करने के बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ऑयल रेडी है और हम इसको करते हैं फ्राई। तो इनको ज्यादा फ्राई नहीं करना था, हल्का हल्का चलो फ्राई करना था ताकि इनकी जो ऊपर वाली कवर है, ऊपर की जो परत है वो क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड्स ये हो गए हैं रेडी। हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑयल लेके अब इसमें मसाला तैयार करेंगे, ग्रेवी और मसाला वगैरह तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स तेल हो गया गरम और इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ा सा जीरा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने प्याज वगैरह काट पीस के उसका मसाला तैयार किया है वो डालेंगे और इसको भूनेंगे। मसाला डालने के बाद हम इसको भूनेंगे, तो प्याज वगैरह डालने के बाद इसको हम भून लेंगे। तो फ्रेंड्स जो ये प्याज वगैरह थे वो भून चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। इसको हम ये 2 टमाटर हैं जिनको हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, और इसको अब पकाएंगे थोड़ी देर, 2-3 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। तो फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे मसाले में लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर, हल्दी
और नमक। इसमें गरम मसाला थोड़ा कम पड़ता है और बाकी आप नमक वगैरह अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसमें डालते हैं मसाले। मसाले में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और इससे क्या होगा कि वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे जल्दी, और इसको हम अब थोड़ी देर पकाएंगे मसाले में ही। तो फ्रेंड्स इस मसाले को हमको तब तक पकाना है जब तक ये हल्का हल्का अपना ऑयल ना छोड़ दे। जब ये हल्का हल्का किनारों पे ऑयल छोड़ने लग जाए तब समझ लेना कि ये पक्के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये पक्के तैयार है। ये देखिए हल्का हल्का इसमें ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे गट्टे। तो अब इसमें हम डालेंगे गट्टे, और ये देखिए गट्टे डाल दिए हैं, और इसको थोड़ी देर चलाएंगे। और इसको चलाने के बाद इसमें हम फ्रेंड्स वही वाला पानी डालेंगे जिसमें हमने गट्टे बॉईल किए थे। देखिए हमने साइड में निकाल के रख रखा है। तो फ्रेंड्स हमने इसको 2 मिनट तक के लिए पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे वो गट्टे वाला पानी। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसको स्लो आंच में पकने के लिए छोड़ देना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। जब इसमें उबाल आ जाए तो ये आपकी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जो ये सब्जी है बनके रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा गार्निशिंग के लिए डालेंगे हरा धनिया। तो फ्रेंड्स अब ये सब्जी बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स आप सबके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, जो हमारी YouTube फैमिली है वो बहुत ही जल्द बन के होने वाली है। आप सबसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को बन के तक पहुंचाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जाके क्लिक कीजिए ताकि हमारी फैमिली बन के हो जाए। और जैसे ही हमारी फैमिली बन के हो जाएगी तो उसके बाद हम करेंगे एक छोटा सा सेलिब्रेशन। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगती हैं। कोई सजेशन हो वो भी आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स साथ ही हमारे इस चैनल के बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।